भोजपुरी एक्टर्स आम्रपाली दुबे देर शाम पहुंची विंध्याचल धाम, किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं बचपन से यहां पर आ रही हूं मां का दर्शन पूजन करने। वहीं पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का क्या माहौल है, तो इसको लेकर आम्रपाली दुबे ने कहा कि वहाँ पर कमल खिलेगा माँ के आशीर्वाद से। साथ ही कहा कि यहाँ पर जो कॉरिडोर का काम किया जा रहा है, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखता हो। बचपन से आते हैं विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने, और हम क्या, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग दर्शन करें। तो इस समय चुनाव चल रहा है निरहुआ जी का, तो उनका मतलब क्या माहौल है बीजेपी का वहाँ से? बस माता जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा, हम सब पर रहेगा, और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। इसमें यहाँ विंध्याचल में कॉरिडोर हो गया, कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको याद है पहले हमको इतनी की गलियों में से निकलना पड़ता था, और अब इतना सुंदर लग रहा है। बस यही सबके लिए चाहिए कि ऐसी सरकार रहे जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखे। भोजपुरी एक्टर्स आम्रपाली दुबे देर शाम पहुंची विंध्याचल धाम, किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं बचपन से यहां पर आ रही हूं मां का दर्शन पूजन करने। वहीं पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का क्या माहौल है, तो इसको लेकर आम्रपाली दुबे ने कहा कि वहां पर कमल खिलेगा मां के आशीर्वाद से। साथ ही कहा कि यहां पर जो कॉरिडोर का काम किया जा रहा है, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखता हो। बचपन से आते हैं विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने, और हम क्या, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग दर्शन करें। तो इस समय चुनाव चल रहा है निरहुआ जी का, तो उनका क्या माहौल है बीजेपी का वहाँ से? बस माता जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा, हम सब पर रहेगा, और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। इसमें यहाँ विंध्याचल में कॉरिडोर हो गया, कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको याद है पहले हमको इतनी की गलियों में से निकलना पड़ता था, और अब इतना सुंदर लग रहा है। बस यही सबके लिए चाहिए कि ऐसी सरकार रहे जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखे।